दोस्तों कैसे हो, क्या हो रहा है? तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे चैप्टर सॉल्यूशन, और मैं चैप्टर सॉल्यूशन में स्टूडेंट्स आपको सांद्रता पढ़ा रहा था। पिछली क्लास में मैं आपको चार सांद्रताएं पढ़ा चुका था जो आपके ब्लैक बोर्ड पर लिख रही हैं। मैं आपको सांद्रता, द्रव्यमान, आयतन, प्रतिशत पढ़ा, द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा चुका था, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान, आयतन प्रतिशत, और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाई थी सांद्रता मोल अंश, जिसको मोल प्रभाज या मोल भिन्न भी कहते हैं। तो स्टूडेंट हम ये चार सांद्रताएं पढ़ चुके थे। आज जो हम सांद्रताएं पढ़ने वाले हैं, और भी सांद्रताएं पढ़नी है, मैं आपको पहले ही सूचित कर चुका हूं कि पेपर में सांद्रताओं में से एक न्यूमेरिकल आता है। तो आज हम जो सांद्रताएं पढ़ने वाले हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम स्टार्ट करते हैं अगली सांद्रता नंबर 5। अगली सांद्रता है मोलरता, जिसका सिंबल है कैपिटल एम। तो अगली सांद्रता हम पढ़ने वाले हैं मोलरता, जिसका सिंबल कैपिटल एम है। सिंबल भी याद रखो, सिंबल बहुत काम आता है इसका। और स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आपको अगर समझने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है आप कमेंट करिए। मैं उनका, वैसे आपके द्वारा किए गए सभी कमेंटों का आपको रिप्लाई करता हूं। आप, मैं फिर कह रहा हूं, वीडियो आपको पसंद आए तो आप उसमें लिख करके भेजिए। आप प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करें, प्रत्येक वीडियो पर अपने कमेंट डालें। आपसे केवल एक ही रिक्वेस्ट है। तो स्टूडेंट्स मोलरता, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको करने हैं, और क्वेश्चन करने हैं, सभी को करने हैं। तो हम अगली सांद्रता पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मोलरता। मोलरता होती क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको समझने के लिए इसका पहले फॉर्मूला देखते हैं अपन, उल्टा चलते हैं, परिभाषा फॉर्मूले से बनाइए। तो मोलरता का जो फॉर्मूला है, मोलरता एक सांद्रता है जिसका फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन। मैंने ये आपको 11th में भी पढ़ाई होंगी, तो आपका तो रिवीजन चल रहा है अगर आपने 11th में ढंग से पढ़ी है। तो जो ये टॉपिक है ये 11th के फर्स्ट चैप्टर में भी है और यहां पर भी है, बिलियन का आयतन लीटर में। तो मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। जब आपको इसका फॉर्मूला पता लग गया है, याद कर लो मोलरता का फॉर्मूला, सभी को याद होना चाहिए। मोलरता का फॉर्मूला है विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। स्टूडेंट्स अगर बिलियन का आयतन, इसकी डेफिनेशन बनाते हैं, बिलियन का आयतन में एक लीटर कर देता हूं, मान लो जो आपका बिलियन है वो कितना है, 1 लीटर। तो ऐसी स्थिति में यहां पर मुझे 1 लीटर लिखना पड़ेगा, तो विलेय के मोल ही तो मोलरता कहलाएंगे। सोच लो आपके पास जो बिलियन है वो 1 लीटर है, बिलियन का आयतन कितना है, 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन है आपके पास, उस बिलियन में जो विलेय के मोल होंगे वही मोलरता है उस बिलियन की। तो मोलरता की डेफिनेशन बन तो गई, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल बिलियन की मोलरता कहलाते हैं। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? अरे बिलियन 1 लीटर हुआ तो विलेय के मोल मोलरता के बराबर ही तो आएंगे, मतलब विलेय के जितने मोल होंगे वही। तो मैंने कहा मेरे पास 1 बिलियन है 1 लीटर, इसमें विलेय के मोल है 5, तो ये 5 इस बिलियन की मोलरता है। 1 लीटर बिलियन में जितने विलेय के मोल है वो ही उस बिलियन की क्या है, मोलरता है। क्लियर, फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला ये न्यूमेरिकल में बहुत कम काम आता है, इसको आगे और बना सकते हैं अपन, फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं, मोल को खोल सकते हैं। पिछली क्लास में बताया था मैंने,
पदार्थ के मोल क्या होते हैं, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार, यही बताया था ना। पदार्थ के मोल बराबर मोल क्या है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार। तो इसको खोल लेंगे, ये विलेय के मोल है तो इसको ऐसे खोल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा मोलरता बराबर, विलेय के मोल को खोल रहा हूं मैं तो क्या खुल जाएगा, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में क्या आएगा, पहले तो आएगा विलेय का अनुभार, ये खुल गया भाई, क्या खुल गया, विलेय के मोल। विलेय के मोल की जगह लिख सकते हैं विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अनुभार, और नीचे N2 में बिलियन का आयतन आएगा कि नहीं आएगा, बिलियन का आयतन, आयतन लीटर में होना चाहिए, बिलियन का आयतन, मेरे शब्दों को सुनो, किस में होना चाहिए, लीटर में। पर कई बार क्या होता है, बिलियन के आयतन को नॉर्मली वो ml में देता है। अगर बिलियन का आयतन उसने बेटा वो ml में दिया तो आप क्या करोगे, सोच के बताओ, बिलियन का आयतन ml में दिया तो उसको आप लीटर में कन्वर्ट करोगे ना, है, और ml को लीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मैंने कहा बिलियन का आयतन लीटर में होना चाहिए, उसने बिलियन का आयतन ml में दे दिया तो उसे आप लीटर में कन्वर्ट करोगे, कैसे करोगे। कई इंटेलिजेंट लड़कों ने कह दिया उसमें 1000 का भाग दे दोगे, सोच लो, मान लो मेरे पास 500 ml बिलियन है तो आधा लीटर ही तो है, तो 1000 का ही तो भाग दूंगा मैं इसमें, किसमें कन्वर्ट करने के लिए, लीटर में। भाई जैसे मैंने कहा, मेरे पास दोबारा सुन लो, पानी है 500 ml तो आधा लीटर ही तो है। अगर आपको बिलियन का आयतन ml में दे रखा हो तो उसे लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग दोगे, बुद्धि लगाओ। मैंने बिलियन का आयतन ml में दिया है तो आप 1000 का भाग दोगे ताकि वो लीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो ऊपर गुना में चला जाएगा ना। तो ये फॉर्मूला आप विशेष तौर पर याद रखें, ये क्लियर हो गया। मैंने ऊपर 1000 का गुना क्यों किया है, ताकि बिलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अगर बिलियन का आयतन उसने लीटर में दिया होता तो ऊपर 1000 का गुना नहीं होता। अगर वो बिलियन का आयतन ml में दे तो ऊपर 1000 का गुना करना है, ताकि बिलियन का आयतन लीटर में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मोलरता का फॉर्मूला, दोनों याद हो तो ज्यादा बढ़िया है। लड़के इसको याद करते हैं फिर इसको खोल लेते हैं, फॉर्मूला अपने आप बन जाता है। मोलरता के फॉर्मूला, विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन, मोल का मान रख दो, ग्राम में मात्रा बटे अनुभार। आयतन अगर ml में हो तो ऊपर कितने का गुना करना है स्टूडेंट्स, 1000 का गुना करना है। तो ये आपके सामने मोलरता आ गई। मोलरता का मात्रक कोई बताएगा मुझे, मात्रक ऊपर वाले मेन फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, विलेय के मोल, मोल का मात्रक मोल ही होता है, और नीचे बिलियन का आयतन है लीटर में, तो लीटर भी तो खुद मात्रक ही तो है आयतन का, तो मात्रक हो गया मोलरता का मोल प्रति लीटर। क्लियर? मोल प्रति लीटर, मैंने कहा एक बिलियन है उसकी सांद्रता 5 मोल प्रति लीटर है, तो ये कौन सी सांद्रता है, मोलरता है। मात्रक से पहचानो 5 मोल प्रति लीटर, तो ये मोलरता है। यहां तक क्लियर? कई बार वो ऐसे लिख देता है, मेरी बात समझ गया तुम, मैं जो समझाना चाहता हूं। इस क्वेश्चन पे आपको लिए मैं न्यूमेरिकल देता हूं, देखते हैं कितने करते हैं। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, 500 ml H2SO4 के बिलियन में, दिख तो रहा है ना, 500 ml H2SO4 के बिलियन में विलेय H2SO4 4.9 ग्राम उपस्थित है, तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। एक चीज और देता हूं, अगर नहीं हो तो H2SO4 का अनुभार भी देता हूं आपको, याद ही कर लो, 98 होता है,
मात्रक क्या होता है अनुभार का, किसी को याद हो तो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था परमाणु भार का मात्रक ग्राम प्रति मोल, अनुभार का भी यही है ग्राम प्रति मोल। मैंने आपके सामने क्वेश्चन दे दिया है, H2SO4 का अनुभार दे दिया है, वीडियो को पॉज करने का समय आ गया है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करें और मुझे आंसर बताएं इसका आंसर कितना आएगा। मैं भी पॉज कर रहा हूं, कर लिया क्या स्टूडेंट? चलो मैं बताता हूं, खुद किया करो, आपसे फिर कह रहा हूं, मेरे करने से काम नहीं चलेगा, मैं तो कर दूंगा इन्हें, पर आपको खुद सीखना है, अप्लाई करना आना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, आप क्वेश्चन पर किस तरह से अप्लाई करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। वीडियो को आगे बाद में देखना, स्टूडेंट वीडियो को आगे देख रहे हैं कि मैं क्या करता हूं, अरे अपना पहले आंसर भेजो फिर मेरे आंसर से मैच करो, ठीक है? वीडियो आप ये देख रहे हो, पहले आंसर भेज दो मुझे कमेंट बॉक्स में, फिर मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और अपना आंसर मैच करना, आपका आंसर सही है या नहीं है, आपको पता लग जाएगा कि आपके समझ में कितना आया है, ठीक है? मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 500 ml H2SO4 के बिलियन में बिले H2SO4 4.9 ग्राम है। हर चीज लिखता हूं, मेरी तो आदत है, क्योंकि मैं उस तरह से करता हूं कि जिस तरह से पेपर में आपको करना है, मैं सब कुछ लिखता हूं फिर क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। उसने कहा 500 ml H2SO4 के बिलियन में, तो ये है बिलियन, H2SO4 के बिलियन में, बिलियन है 500 ml, तो बिलियन का क्या दिया है आयतन, ml आयतन को प्रदर्शित करता है, बार बार कह रहा हूं मैं, बिलियन का आयतन दिया है 500 ml। मैं आगे पढ़ा क्वेश्चन, बिले H2SO4 4.9 ग्राम है, तो ये बिले H2SO4 का द्रव्यमान दिया है, ग्राम द्रव्यमान को दर्शाता है, वो कितने ग्राम है 4.9 ग्राम। आगे बढ़ा तो बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, m क्वेश्चन मार्क, ठीक है? हमें अनुभार भी दे रखा है, मोलरता का फॉर्मूला लिखते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। मोलरता का फॉर्मूला है बिले की ग्राम में मात्रा बटे में बिले का अनुभार इनटू में बिलियन का आयतन किस में, एमएल में, एमएल में दिया ना, तो ऊपर कितने का गुना होगा 1000 का, याद है कि भूल गए? ठीक है मान रखो, बिले की ग्राम में मात्रा देखो कितनी है, बिले H2SO4 है ना, और ये है 4.9 ग्राम, ग्राम में मात्रा ही तो है ये, ऊपर इनटू में 1000 बटे में बिले का अनुभार, बिले H2SO4 है तो उसका अनुभार दे रखा है, याद रखो इसको, तो 98 होता है, इनटू बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन कितना दे रखा है 500 ml, ml में है तो ऊपर 1000 का गुना वो कर रखा है अपन ने, तो कर लो, पॉइंट हटाओगे यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगी, 49 से ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, सही है, और 1000 से ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, तो ये आ गया 1/10, मतलब 0.1, 0.1 आया है, मात्रक लिख सकते हो मोल प्रति लीटर। अपना आंसर मैच कर लेना कितनों का सही है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, बुक में भी है, बुक का क्वेश्चन है, पेपर में आया है 1-2 बार पहले भी, तो जो मैं अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं देखते हैं कितने स्टूडेंट करते हैं, पहले कमेंट में आंसर डालना फिर अपने आंसर को मैच करना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 10% डब्ल्यू अपॉन बी के H2SO4 के बिलियन की मोलरता ज्ञात करो,
बराबर क्वेश्चन मार्क्स, समझ गए होंगे क्वेश्चन। 10% WYB के H2SO4 के बिलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। H2SO4 का अनुभार तो पता ही है 98। वीडियो को पॉज करने का समय आ चुका है, करना स्टार्ट करें। कई स्टूडेंट के तो ये समझ में ही नहीं आया करना कैसे है साहब। मैंने कहा ये क्या दिया है स्टूडेंट्स, 10% WYB है तो ये है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसका मतलब याद है क्या? इसका मतलब ये है कि 100 ml बिलियन में, ये बताया था मैंने लास्ट वीडियो, ढंग से देखना इसकी। 100 ml बिलियन में बिले तो H2SO4 ही है ना, H2SO4 का बिलियन है। बिले H2SO4 बराबर 10 ग्राम। इसका मतलब यही तो है 100 ml बिलियन में बिले 10 ग्राम है। अगर ये WYW होता तो 100 ग्राम बिलियन में बिले 10 ग्राम है। BYB होता तो 100 ml बिलियन में बिले 10 ml है। क्लियर? अब तो बताओ, हो जाना चाहिए यार, नहीं होगा? अरे आपको ये लाइन जब मैंने लिखी तो मुझे H2SO4 की ग्राम में मात्रा अर्थात उसका द्रव्यमान लिख दिया। ये H2SO4 की ग्राम में मात्रा ही तो है 10 ग्राम। 100 ml बिलियन है तो बिलियन का आयतन भी है आपके पास, बिलियन का स्टूडेंट आयतन भी है। इसमें सब चीज छिपी हुई है छोटे से में ही, इसी में सब कुछ छुपा हुआ है, क्वेश्चन का पूरा राज। बिलियन का आयतन कितना है? 10 100 ml। तो कर लो ना, अब भी नहीं होगा। कमेंट बॉक्स में पहले फिर चेक करना आंसर। मोलरता आएगी, निकालता हूं। मोलरता बराबर फॉर्मूला लगाया, बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इनटू बिलियन का आयतन। नोट्स बना सकते हो, पढ़ाई इस तरह से जा रहा है, आप खुद के नोट्स तैयार कर सकते हो। बिलियन का आयतन इसमें ml में दिया है तो ऊपर कितने का गुना होगा? 1000 का होगा स्टूडेंट, कर लो। बिले की ग्राम में मात्रा कितनी है? 10 ग्राम। अनुभार कितना है बिले का? 98। H2SO4 तो है। बिलियन का आयतन कितना है? 100 ml। ml है तो ऊपर 1000 का गुना। सॉल्व करें आंसर, इसी तरह से किया है क्या? मैं कर देता हूं लो। 1 0 2 0 2 0 गई तो बचा 100/98 में कितनों का मैच कर रहा है? एक पार, 1.0 कुछ आएगा। क्लियर? अपना आंसर मैच कर लेना, कितनों ने इस तरह से किया है, 100/98 में आया है, चेक कर ले। पेपर में कई बार आ चुका है। एक क्वेश्चन और, ये भी काफी फेमस है, लिखूं? क्वेश्चन नंबर 2 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 3। शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन से लग गया होगा, फेमस ही है भाई, जल की मोलरता पूछ रहा है। कई इनको पुश पॉज करने की पड़ रही है, रुक जा अभी मत कर पॉज, मैं कहूं जब करना। मैं एक जानकारी और दे देता हूं जिससे आपके क्वेश्चन को कर सकूं। क्वेश्चन तो इतना सही आता है पेपर में, शुद्ध जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। या ये आपको पता भी होना चाहिए कि जो जल है शुद्ध जल उसकी मोलरता कितनी होती है, स्टैंडर्ड है, याद होना चाहिए। चलो तो भाई आपकी हेल्प के लिए एक चीज दे देता हूं जो पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड मान कि जो जल है शुद्ध जल उसका घनत्व
ये पता होगा कभी पहले, 1 ग्राम प्रति ml होता है। जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है। पर कई लड़कों के दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात चल रही है दिमाग में कि साहब जल की मोलरता ज्ञात करवा रहे हो। आप कह रहे हो कि मोलरता एक सांद्रता है और ये तो बिलियन की निकलती है, क्या जल एक बिलियन है? लड़का दूसरा सोच रहा है इस तरह से, नहीं तो इस तरह सोच रहा होगा, मोलरता के फॉर्मूले में नीचे बिलियन आता है, बिलियन का आयतन, जल है तो बिलियन कहाँ है, केवल बिलाया की तो है, बिलिय कहाँ है? देखो भाई, जल H2 अणुओं से मिलकर के बना होता है, क्लियर, ये तो पता है। तो H2 अणु ही बिले है और H2 अणु ही विलायक है और H2 अणु ही बिलियन है। मेरा कहने का मतलब है जल ही जो आपको दिया गया है शुद्ध जल, वो ही बिले है, वो ही विलायक है और वो ही बिलियन मानना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है ना? जब ये क्वेश्चन होगा, मेरा कहने का मतलब समझ लो, यहां पर बिले, विलायक, बिलियन सब जो एक चीज ही तो है आपके पास, शुद्ध जल है, बस वो ही है जो कुछ है, बिले भी वही, विलायक भी वही, बिलियन भी वही। अब मैं करता हूं, देख लो, समझ लो, कोई कर सके तो करके बताए पहले, एडवांस नहीं होगा। हमको ये पता है, स्टैंडर्ड चीज है, इसको दे भी देता है क्वेश्चन में, नहीं भी देता है, पर हमें पता होना चाहिए कि जल का घनत्व कितना होता है, 1 ग्राम प्रति ml। इसका मतलब क्या है, कोई स्टूडेंट समझे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हो गया कि 1 ml जल का द्रव्यमान 1 ग्राम है। जब ही तो घनत्व इतना आएगा, घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अगर द्रव्यमान 1 ग्राम होगा और 1 ml ये होगा आयतन, जब ही तो घनत्व 1 आएगा। जब जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है तो इसका मतलब ये तो निकला कि 1 ml जल का वजन 1 ग्राम है, जब ही तो घनत्व 1 आ सकता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन ही तो करते हो आप। तो जब उसने कहा कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, तो स्टूडेंट अपने आप समझो, समझ लो हर चीज को कि उस जल का द्रव्यमान कितना होगा, 1 ml जल का वजन 1 ग्राम होगा। तो दोनों चीज है तो सही मेरे पास, जल ही बिले, जल ही विलायक, जल ही बिलियन, सही है। तो एक तरह से मुझे पता चल गया क्या, जल का द्रव्यमान मान लेते हैं 1 ग्राम, तो उस जल का आयतन कितना है फिर, जल का आयतन है 1 ml, सही है। तो मोलरता का फॉर्मूला लगाओ ना, आप सोच क्यों रहे हो यार, मेरी समझ में नहीं आ रही। मोलरता बराबर बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार, समझ लेना, हटके अलग तरह का क्वेश्चन है, इनटू बिलियन का आयतन, ml में हो, ml में हो तो ऊपर 1000 का गुना। मोलरता निकालते हैं, बिले भी जल, जल की ग्राम में मात्रा 1 ग्राम, जल का अनुभार 18। लड़के ने ऐसे क्यों कहा, क्योंकि जल H2 अणुओं से बना होता है, 2 + 16 = 18 आएगा, नहीं आएगा क्या? बिलियन का आयतन 1 ml, ml में दे रखा है छोरा, ऊपर के का गुणा करेगा 1000 का, तो 1000 / 18 मतलब आएगा 55.5 मोल प्रति लीटर मात्रा। तो जल की मोलरता को डायरेक्ट याद रखें, स्टैंडर्ड है, डायरेक्ट पूछ ले कोई तो तुरंत बता सकते हो 55.5 मोल प्रति लीटर। शानदार क्वेश्चन है, आ सकता है, अलग हटके क्वेश्चन है। अगर आपको यह नहीं पता कि जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति ml है, आप इस क्वेश्चन को किसी भी कंडीशन में नहीं कर सकते, क्योंकि यह स्टैंडर्ड है, तो इसकी हेल्प लेनी पड़ती है हमको इस क्वेश्चन में भाई, क्लियर। जब आपको यह पता है कि जल का द्रव्यमान आपको पता है 1 ग्राम, जल का द्रव्यमान 1 ग्राम और जल का आयतन 1 ml, इसमें रख दीजिए ग्राम में 1, आयतन 1 ml, अनुभार 18, सॉल्व कर लो फट आंसर, क्लियर, बढ़ जाऊं आगे। तो ये स्टूडेंट हमने सांद्रता पढ़ी, मोलरता, अब अगली सांद्रता हम पढ़ते हैं मोललता। तो हम कुल 5 सांद्रताएं पढ़ चुके हैं मेरे हिसाब से,
अब सांद्रता नंबर 6, अगली सांद्रता जो है मोललता। पहले मोलरता थी, अब है मोललता, जिसका सिंबल है स्मॉल एम। मोलरता का सिंबल था कैपिटल एम। बेटों उसी तरह से पहले फॉर्मूला देखते हैं, फिर फॉर्मूले से डेफिनेशन बना लेंगे। मोललता का फॉर्मूला, मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का भार और किलोग्राम में। लड़कों मोलरता और मोललता में थोड़ा सा ही अंतर है। मोलरता का फॉर्मूला था मोलरता का विलेय के मोल बटे बिलियन का आयतन। यहाँ बिलियन के आयतन की जगह पे विलायक का भार है। ये एकमात्र ऐसी सांद्रता है जिसमें नीचे विलायक आया है। अब तक की सांद्रताओं में सब में नीचे बिलियन था, चाहे वो द्रव्यमान प्रतिशत है, चाहे वो आयतन प्रतिशत है, कोई सी भी। पहली बार नीचे विलायक का भार विलायक आया है। विलेय के मोल को आगे हाँ इसकी डेफिनेशन बना सकते हो। अगर विलायक का भार बेटा एक किलोग्राम है, वो एक बिलियन है, उसमें विलायक का भार एक किलोग्राम है, तो उस बिलियन में उपस्थित ये एक किलोग्राम हो गया तो नीचे का खत्म। यदि किसी बिलियन में विलायक का भार एक किलोग्राम है तो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल ही उस बिलियन की क्या कहलाएंगे, मोललता। अरे जब ये एक हो गया तो विलेय के मोल बराबर मोललता। तो अपन ऐसे कह सकते हैं यदि किसी बिलियन में एक किलोग्राम विलायक उपस्थित है तो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही उस बिलियन की मोललता कहलाती है। क्लियर? चलो भाई स्टूडेंट्स करते हैं इसको करने का आगे से सॉल्व। विलेय के मोल को खोल सकते हैं आगे। मोललता बराबर विलेय के मोल को खोलोगे वही विलेय की ग्राम में मात्रा बटे में क्या आएगा, विलेय का अनुभार। यही होगा ना मोल का फॉर्मूला। इनटू में क्या आएगा, विलायक का भार। और काई में होना चाहिए, यहां पर कंडीशन है किलोग्राम में। बेटा भार किलोग्राम की जगह ग्राम में दे दिया हो तो लड़के ने कहा उसे भी किलोग्राम में बदलेंगे। मैंने ग्राम को किलोग्राम में कैसे, वही हजार का भार 500 ग्राम को किलोग्राम में बदलना, हजार का भार दोगे जब तो आधा किलो आएगा। अगर विलायक का भार आपको ग्राम में दिया तो हजार का गुना, बिल्कुल मोलरता की तरह। वहां बिलियन का आयतन था, अगर उसको एमएल में दे दे तो ऊपर हजार का गुना, और विलायक का भार अगर ग्राम में दिया तो ऊपर हजार का गुना, किलोग्राम में दिया तो ऊपर हजार का गुना नहीं करोगे। क्लियर स्टूडेंट? मात्रक यहां से निकाल सकते हो, मोललता का मोल का मात्रक मोल और द्रव्यमान का मात्रक लिखी रहा है किलोग्राम, तो मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है तो स्टूडेंट अब क्वेश्चन करने का समय। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, पहले तीन क्वेश्चन कर चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 4। हाँ 10% WW के H2SO4 के बिलियन की मोललता ज्ञात करो। बढ़िया क्वेश्चन पेपर में आने लायक। वीडियो को पॉज करने का समय स्टार्ट। पहले मुझे अपना आंसर कमेंट में डालें, बाद में देखें हमने सही किया है या गलत किया है। पॉज हो गई, मैं करता हूं।
10% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू के H2SO4 के बिलियन की मोललता ज्ञात करनी है, करें? चलो भाई, ये लो भाई, चलो भाई इसका मतलब बताओ पहले। इसका मतलब है डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है, ये द्रव्यमान प्रतिशत है, तो 100 ग्राम बिलियन में विले H2SO4 ही है, H2SO4 बराबर 10 ग्राम। इसका मतलब यही है, पहले समझा चुका हूं, क्लियर? अब आगे करते हैं, आगे क्या करें, मेन की देख क्या दिया है, लड़के ने नोट किया, ये बिले H2SO4 की ग्राम में मात्रा है, 10 ग्राम तो ग्राम में मात्रा ही तो है, ये H2SO 100 ग्राम बिलियन मतलब बिलियन का भार द्रव्यमान दिया है 100 ग्राम। अब तो कर लो, फॉर्मूला जमा लो, पूरी मेहनत मुझ पे कराओगे क्या? चलो भाई, मोललता बराबर, स्मॉल एम सिंबल काम में ले सकता हूं ना, फॉर्मूला है बिले की ग्राम में मात्रा बटे बिले का अनुभार इंटू बिलायक का भार, बिलायक का भार ग्राम में हो तो ऊपर 1000 का गुना, ये फॉर्मूला था, मान धरो। मोललता बराबर बिले की ग्राम मात्रा, बिले H2SO4 है 10 ग्राम, बिले का अनुभार 98 रट गया होगा, बिलायक का भार कहाँ है भाई, बिलायक का भार ये रहा साहब, अरे मेन की तो बिलियन का भार है, हाँ साहब बिलायक का भार नहीं है, अरे गधे, बिलायक का भार 90 ग्राम, यहाँ गलती करते हैं, बिलायक की जगह बिलियन का भार लिखते हैं 100 ग्राम, आपने जो किया उसमें ये गलती की है, चेक कर लो भले ही, यहाँ बिलायक का भार आएगा, ये बिलियन का भार है, बिलियन का भार 100 ग्राम और बिले का भार 10 ग्राम, तो बिलायक का भार 90 ग्राम नहीं है क्या, 1 बिलियन है 100 ग्राम, हम बिले को भार 10 ग्राम तो बिलायक को भार 90 ग्राम, गधो 90 आएगा, यहाँ लड़कों ने 100 लिखा है और इंटू में 1000, अब सॉल्व करो आंसर आ जाएगा, तो 0 से 0 काट देते हैं, आंसर आ गया 1000 बटे 98 गुना 9, तो 1000 बटे 9 8 72 हासिल 7, 9 9 81 और 7 88, 1 पॉइंट कुछ आएगा, देख लेना कितना है, कितनों ने इस तरह से किया है पता लग जाएगा, कितनों ने यहाँ त्रुटि की है, यहाँ लड़कों ने बिलियन का भार रख दिया, अरे बिलायक का चाहिए, ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, मजा आ रहा है, आ रहा है तो कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो हमने दो सांगता पढ़ी आज, एक मोलरता और एक मोललता, दोनों में डिफरेंस नीचे है फॉर्मूले में, मोलरता के फॉर्मूले में नीचे है बिलियन का आयतन और मोललता के फॉर्मूले में नीचे है बिलायक का भार। एक बार बताओ स्टूडेंट, अपना पूरा दिमाग लगा लेना, मैं आपको मोलरता का फॉर्मूला लिख देता हूं, कैपिटल एम, बिले के मोल, एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, ढंग से देख लेना, बटे बिलियन का आयतन और लीटर में, ये फॉर्मूला लिख सकता हूं ना, ये पहले बताया था, और मोललता का फॉर्मूला है बिले के मोल बटे बिलायक का भार, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ दोनों सांद्रताओं में से कौन श्रेष्ठ है,
मोलरता या मोललता, मोलरता या मोललता, कैपिटल एम या स्मॉल एम, सोच लो, सोचने के लिए टाइम है, ये सोच लो। ये फॉर्मूले भी क्यों लिखे हैं मैंने। तो हम श्रेष्ठता की बात करें तो मैं श्रेष्ठ इसे मानूंगा, ये श्रेष्ठ है। क्यों? देखो, इसमें ये चीज तो कॉमन है, दोनों में अंतर है बिलियन के आयतन और भार में है। देखो, बिलियन का आयतन जो है ये परिवर्तित होता रहता है। जैसे मान लो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूं, बहुत भकाभक गर्मी है, टेम्परेचर 40 के आसपास है, और सुबह टेम्परेचर 25 के आसपास। जब हर घंटे हर टाइम हर घंटे टेम्परेचर बदलता है ना, वातावरण का ताप बदलता है कि नहीं बदलता? जब वातावरण का ताप बदलेगा तो किसी भी बिलियन की मोलरता हर घंटे अलग अलग आएगी। मतलब एक बिलियन है तेरे, तुम्हारे पास, इसकी मोलरता अब अलग आएगी और सुबह अलग आएगी। क्यों? क्योंकि इस समय तापमान ज्यादा है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय तापमान ज्यादा है, तो तापमान ज्यादा होने से बिलियन का आयतन बढ़ जाएगा। क्योंकि ताप से क्या होगा, बिलियन के कण दूर दूर भागेंगे, इनको उसमें ऊर्जा मिलेगी। पहला चैप्टर, ताप से कोई भी पदार्थ प्रसारित होता है, फैलता है, तो आयतन बढ़ जाएगा तो मोललता घट जाएगी। मतलब इस समय जैसे टाइम जैसे मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे ताप बढ़ेगा सुबह सुबह, अब जैसे ताप बढ़ेगा सुबह टेम्परेचर कम होता है, तो पूरे दिन जैसे ताप बढ़ता जाएगा, बिलियन का आयतन बढ़ने से बिलियन की मोलरता घटेगी। बिलियन के मोल तो फिक्स है, उसमें है जितने, पर बिलियन का आयतन बढ़ेगा ना, बिलियन प्रसारित होगा ताप बढ़ने से, और मोलरता घटती चली जाएगी। तो एक बात बताओ, फिर तो मोलरता यार गड़बड़ करेगी, गड़बड़ तो कर रही है। वो बिलियन, उसकी मोलरता सुबह कम टेम्परेचर पर अलग, और उसी बिलियन की मोलरता दोपहरी में अधिक टेम्परेचर पर अलग आ रही है, पर मोललता ये चेंज नहीं होगी क्योंकि इसमें भार है। विलायक का भार तो उतना ही रहेगा, चाहे वो सुबह है, चाहे दोपहर है, चाहे शाम है। तो अधिक श्रेष्ठ कौन को मानोगे? मोललता। एक बिलियन की मोललता हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ताप से प्रभावित नहीं होगी। मोलरता ऐसी सांद्रता है जो ताप से प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए हम श्रेष्ठ मानेंगे किसको? मोललता को। आंसर मिल गया मेरे क्वेश्चन का आपको। अब अगली सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। अगली सांद्रता जो हम पढ़ने वाले हैं वो है नॉर्मलता। नंबर है शायद नंबर 7, कोई भी नंबर हो, अगली सांद्रता नॉर्मलता। सिंबल है कैपिटल एन, नॉर्मलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। मोलरता को मोलरिटी, मोलरिटी, मोललता को मोललिटी, और इसको बोलते हैं नॉर्मलिटी। तो हमको तो हिंदी से मतलब है नॉर्मलता। सिंबल कैपिटल एन, इसको भी इसी तरह से पढ़ते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, नॉर्मलता का फॉर्मूला। नॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे में बिलियन का आयतन और लीटर में। मोलरता से तुलना करो, मोलरता से, मोलरता में था यहां विलेय के मोल, और यहां है नॉर्मलता में विलेय के ग्राम तुल्यांक। देखो, मोल और ग्राम तुल्यांक दोनों ही पदार्थ की मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। जैसे मैंने कहा कोई पदार्थ 5 मोल है, पदार्थ 5 ग्राम तुल्यांक है, तो दोनों ही पदार्थ की मात्रा के मात्रक हैं। आजकल एक ही मात्रक मान्य है, मोल, ग्राम तुल्यांक नहीं है। तो ग्राम तुल्यांक भी पदार्थ की मात्रा को ही दर्शाता है। तो नॉर्मलता का फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटे बिलियन का आयतन। अगर बिलियन का आयतन 1 लीटर कर दिया जाए,
तो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक ही बिलियन की नॉर्मलता होंगी। परिभाषा बन गई ना। अरे भाई अगर मैं बिलियन का आयतन लगाओ एक लीटर कर देता हूं तो ऊपर विलेय के ग्राम तुल्यांक नॉर्मलता के बराबर है नहीं। एक बिलियन है आपके पास और उस बिलियन का आयतन कितना है, एक लीटर। तो उस बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक ही उस बिलियन की नॉर्मलता होगी। लड़का कह रहा है साहब ये क्या फफूंद आ गई, अभी टेंशन खत्म कर देता हूं। नॉर्मलता बराबर आएगा फॉर्मूला, इसको खोलते हैं। विलेय के ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला होगा विलेय की ग्राम में मात्रा, मतलब ग्राम तुल्यांक याद करने का फॉर्मूला है। जैसे मोल का फॉर्मूला था पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटे पदार्थ का अनुभार, ऐसे ही विलेय के ग्राम तुल्यांक याद करने का फॉर्मूला है विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो ये फॉर्मूला है विलेय के ग्राम तुल्यांक ज्ञात करने का, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांकी भार इनटू में आ जाएगा बिलियन का आयतन। और उसी तरह अगर ml में दे रखा हो तो ऊपर कितने का गुना, हजार का। लड़का कहता है नहीं आफत आ गई, पहले ग्राम तुल्यांक थी अब तुल्यांक की बात। यहां तक क्लियर कर लो, विलेय का ग्राम तुल्यांक पदार्थ की मात्रा ही को ही प्रदर्शित करता है। इसको ज्ञात करने का तरीका यह है, फॉर्मूला है इसका विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का तुल्यांक की भार। भाई तुल्यांक की भार साहब मेन फॉर्मूला तो ये है, तो इसमें तुल्यांक की भार आ रहा है साहब, तुल्यांक की भार का क्या इलाज करें। मैं के देखो लाला ओ ढंग से सुनना बात को, तुल्यांक की भार ज्ञात करने का तरीका बता देता हूं। तुल्यांक की भार ऐसे ज्ञात करते हैं, धन लिख देता हूं, तुल्यांक की भार बराबर होता है अनुभार बटे संयोजकता गुणांक। ये फॉर्मूला है तुल्यांकी भार ज्ञात करने का, तुल्यांकी भार बराबर है अनुभार बटे संयोजकता गुणांक। जैसे आपको कोई विलेय है, आपको विलेय का तुल्यांकी भार ही तो चाहिए। अगर आपको विलेय का अनुभार पता है तो उसमें विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दो, उस विलेय का तुल्यांकी भार आ जाएगा। अनुभार तो पता रहता है ना आपको, जैसे H2SO4 का अनुभार कितना होता है 98। अगर आपको विलेय का अनुभार पता है तो उसमें विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे दो तो तुल्यांकी भार आ जाएगा। नहीं आफत, हम ही तो समझ गए साहब तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। मैं कैसे, विलेय का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, कैसे, विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे देंगे। ई संयोजकता गुणांक क्या है सर, देखो अम्ल का संयोजकता गुणांक, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं बैलेंसी फैक्टर। अम्ल का संयोजकता गुणांक बैलेंसी फैक्टर होता है उसके द्वारा त्यागे जाने वाले जल में डाल के देख लो, त्यागे जाने वाले H+ आयनों की संख्या। अम्ल का बैलेंसी फैक्टर है उसके द्वारा त्याग जाने वाले अम्ल का संयोजकता गुणांक है उसके द्वारा त्याग जाने वाले H+ आयनों की संख्या। जैसे अम्ल H2SO4 है तो ये 2H+ त्याग सकता है ना, H2SO4 2H है तो इसका संयोजकता गुणांक है 2। अम्ल HCl है ये 1H त्याग सकता है, इसका संयोजकता गुणांक है 1। अगर विलयन क्षार का हुआ, विलय मतलब क्षार हुआ तो क्षार का बैलेंसी फैक्टर है इसी द्वारा उसके द्वारा त्याग जाने वाले OH- आयनों की संख्या। जैसे उसने कहा क्षार KOH है तो उसका बैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 OH-। क्षार है CaOH का होल ट्वाइस OH का होल ट्वाइस, 2 OH त्यागेगा जल में, 2 OH- त्यागेगा तो उसका बैलेंसी फैक्टर होगा 2। साहब बिलियन लवण का भी तो हो सकता है, हाँ तो लवण का बैलेंसी फैक्टर क्या होगा। ऐसा करो लवण का बैलेंसी फैक्टर है उसके धनायन का कुल आवेश,
बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब संयोजकता गुणांक। जैसे मैंने लवण दिया AlCl3, अब ये जल में किस में टूटेगा, Al+3 और 3Cl- में, तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना है, 3 है, धनायन का कुल आवेश। जैसे मैंने कहा लवण है CaCl2, तो जल में टूटेगा एक तो Ca+2 और 2Cl-, तो इसका बैलेंस फैक्टर है, इसके धनायन का कुल आवेश 2। तो हमको अम्ल क्षारीय लवण की ही जरूरत पड़ती है। अम्ल का बैलेंस फैक्टर उसके द्वारा त्याग जाने वाले H+ आयनों की संख्या, क्षार का बैलेंस फैक्टर उसके द्वारा त्याग जाने वाले OH- आयनों की संख्या, और लवण है विलेय तो उसका बैलेंस फैक्टर होगा उसके धनायन का कुल आवेश। तो आप क्या करना है, विलेय के अनुभार में विलेय के संयोजकता गुणांक का भाग दे करके विलेय का तुल्यांक की भार ज्ञात कर लीजिए, और इससे आपका आगे सॉल्व हो जाएगा। मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन को करो जिससे पता लगे, शायद क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या पे क्या समझ में आया। ये फॉर्मूला लिखा हुआ छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 5, 500 ml HCl के बिलियन में तिहत्तर ग्राम HCl है, तो बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करो। फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला है, आपको दिया क्या है 500 ml HCl का बिलियन, बिलियन का आयतन दिया है। एक बात और बोझ करके करना, पर एक बार लिख लो HCl का अनुभार कितना होता है, HCl का अनुभार होता है 36.5 ग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, पता लग जाएगा क्या समझ में आया आपको। आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना, फिर चेक कर लेना। करता हूं 500 ml HCl के बिलियन में, तो बिलियन का आयतन दिया है, बिलियन का आयतन कितना दिया है 500 ml, 73 ग्राम HCl, तो बिले HCl की ग्राम में मात्रा दी है 73 ग्राम, तो तुल्यांक की भार निकाल ले इसका, HCl का विलेय के तुल्यांक की भार की जरूरत पड़ेगी ना, तुल्यांक की भार बराबर HCl का अनुभार 36.5 बटे संयोजकता गुणांक 1, तो 36.5 ही आएगा। अगर H2SO4 होता तो 2 का भाग लगता। रखो और सॉल्व करो, नॉर्मलता निकाल लो, विलेय की ग्राम में मात्रा कितनी है 73 ग्राम, विलेय का अनुभार कितना है 36.5 इंटू बिलियन का आयतन कितना है, कहां है आयतन 500 ml, ml में है क्या, ऊपर हजार का गुना, 500 से हजार दो बार कट गया, 36.5 से 73 दो बार कट गया, तो ये आएगा इसकी मात्रक आएगा इसका ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बहुत है।